आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से। और टुडे में आज हम डिस्कस करने वाले इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 1 रुपए 15 पैसे की तेजी देखने को मिली और ये स्टॉक 3.5% से भी ऊपर की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो इस स्टॉक में पीछे के 1 सप्ताह में 4.5% की तेजी देखने को मिली है, परंतु 1 महीने में 3% से भी ऊपर की गिरावट देखने को मिल रही है। 3 महीने में 18%, 6 महीने में 1% और 1 साल के अंदर 57% की तेजी देखने को मिली है। लॉन्ग टर्म में देखें तो इस स्टॉक में एक बड़ी रैली देखने को मिली है, परंतु 1 महीने में इस स्टॉक में ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक मुनाफा वसूली देखने को मिल रही थी। इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो कुछ इस प्रकार का देखने को मिला है। इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो स्टॉक में एक ट्रिपल टॉप बॉटम बनता हुआ नजर आया। 36 रुपीज में इस स्टॉक में एक बड़ी रुकावट रेंज है, जहां पर स्टॉक में 3 टाइम्स सेम प्राइस टच करने के बाद स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। अब इस स्टॉक का नीचे का एक फ्रेश सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है अराउंड 31 रुपीज 70 पैसे। 31 रुपीज 70 पैसे इस स्टॉक में नीचे का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, जहां से स्टॉक में एक बड़ा सपोर्ट लेकर ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक मोमेंटम देखने को मिल रहेगा। तो अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 32 रुपीज के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 36 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक में अराउंड 36 रुपीज का ब्रेकआउट देता है तो इस स्टॉक में एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।